हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप सबके लिए यूजफुल होने वाली है। चाहे 10, 12 आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन, इवन मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर इस वीडियो में कवर अप होने वाले हैं। क्योंकि 737 पोस्ट आई हुई है वैकेंसीज BECIL की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से रिक्रूटमेंट है। मल्टीपल वैकेंसीज हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। जो मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि Facebook ग्रुप और Telegram चैनल पर भी जॉब्स पोस्ट किए जाते हैं डायरेक्टली। जिन जॉब्स की वीडियोस नहीं बन पाती उन्हें मैं डायरेक्ट पोस्ट कर देती हूँ Facebook ग्रुप और Telegram चैनल पर, सो दैट मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जॉब्स से अपडेटेड रहें और मल्टीपल वैकेंसीज उन्हें पता चलती रहे। अगर आप चाहें तो Facebook ग्रुप और Telegram चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं। Facebook ग्रुप और Telegram चैनल ज्वाइन होने के लिए लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियोस भी जरूर देखा करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज मैं आपके लिए वहां पर कवर करती हूँ, हाईलाइट्स वहां पर आपको बताती हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम BECIL की जॉब वैकेंसीज को कवर अप करते हैं। 10 दिसंबर 2020 की नोटिफिकेशन है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। 737 पोस्ट है जहां पर की ग्रुप सी और ग्रुप बी के पोस्ट है। ग्रुप सी आप देख सकते हैं और किसी तरीके से ग्रुप बी नॉन फैकल्टी, ग्रुप सी ग्रुप बी पोस्ट। एम्स भोपाल में होने वाली है रिक्रूटमेंट्स जॉब लोकेशन। लेकिन आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दो कैटेगरीज में यहां पर मैं बांटती हूँ। वैकेंसीज तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इसको खुद रीड आउट कर लें और समझ लें। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज अच्छी अच्छी हैं इसमें मौजूद, वो मैं कवर करती हूँ। क्योंकि आपको मैं लिस्ट एक बार स्क्रॉल करके दिखाऊं, कितनी लंबी लिस्ट है ये। इस तरीके से हर तरीके की वैकेंसीज, इवन ड्राइवर की भी मिल जाएगी आपको, स्टेनोग्राफर की, प्लम्बर, वायरमैन, आईटीआई के लिए, डिप्लोमा के लिए, इंजीनियर के लिए, होम साइंस, सभी के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, मैकेनिक, एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ वर्क जॉब हियर। तो ये ग्रुप सी की है। इस तरीके की ग्रुप सी की एंड हो गई 29 पर, सीरियल नंबर 29 पर, और 29 के बाद ग्रुप बी के पोस्ट चालू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। तो सीरियल नंबर 1 से लेके इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। तो अब सबसे पहले हम कवर अप करते हैं जहां पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। जो सबसे बड़े नंबर में वैकेंसी नजर आई, 58 पोस्ट मुझे आया नजर, ऑफिस असिस्टेंट NS। एज लिमिट है 21 to 30 इयर्स। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मींस डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है। अब यहां पर आप मत पूछे कि इस सब्जेक्ट से है, होम साइंस से, इसे किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री की हुई है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, प्रोफिशियंसी है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर सैलरी, मंथली सैलरी, फिक्स सैलरी मिलेगी 35,400 रुपीज। 58 पोस्ट है जिसमें 26 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ये सबसे पॉइंट 27, सीरियल नंबर 27 को नोट डाउन करें आप। ये ग्रुप बी में आते हैं आपके, जहां पर विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन। इसी तरीके से और भी है जो मैं कवर अप करती हूँ आगे। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, पॉइंट नंबर, सीरियल नंबर 13, ग्रुप बी में आप देखें। एज लिमिट 18 to 30 इयर्स। 10 पोस्ट है टोटल। डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। यहाँ पर थोड़ी स्किल टेस्ट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये आप देख लें। 10 पोस्ट है जिसमें 6 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है, 44,900 रुपीज। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर। यहाँ पर भी डिग्री, आप किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 2 पोस्ट है, यहाँ भी सैलरी 35,400 है। दोनों के दोनों पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएट जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, इन सब में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले कैंडिडेट आएंगे तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज किसी भी डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री किए हुए कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जॉब है, जहां पर डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए, और यहां पर ये सारी अगर टाइपिंग स्पीड है आपके पास तो 35,400 रुपीज। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट यहां पर भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं।
29 ग्रुप बी में पर्सनल असिस्टेंट पीए 18 टू 30 इयर्स एज लिमिट, 13 पोस्ट है यहाँ पर, डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, स्किल टेस्ट के लिए इतना कुछ आपको आना चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की, और इंग्लिश और हिंदी में आपकी एक्सीलेंट कमांड है रिटन एंड स्पोकन में, तो उनको ऑफकोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी। अदरवाइज किसी भी डिग्री सब्जेक्ट से डिग्री वाले कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस, अगर ये आपके पास स्किल है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी होगी 35,400, 13 में से 8 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, यहां पर भी किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर एमबीए या पीजी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट मिले तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 4 पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी है 44,900। मैं फिर यहां बता दूं, कोई भी डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट अगर एमबीए या पीजी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाले तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। यहां पर अनरिजर्व में 3 पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायटिशियन पोस्ट के लिए 4 पोस्ट है, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा गया। होम साइंस से बहुत लोगों ने एमएससी की होती है, होम साइंस न्यूट्रिशन या फिर एमएससी क्लिनिकल वाले फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन डायटिशियन, तो इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उससे अगर आपने मास्टर्स किए विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है 44,900 रुपीज पर मंथ, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ग्रुप सी में अभी चले आप, ग्रुप सी वाली लिस्ट में, ग्रुप सी में 28 नंबर पे, सीरियल नंबर 28, ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, जो 10th पास वाले कैंडिडेट हैं या जिनके पास आईटीआई है, 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है जहां पे 30 इयर्स तक के वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 40 में से 19 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 18,000 पर मंथ मिलेगी। इनके पास सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही बड़े नंबर में मुझे यहाँ नजर आ रही है 106 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 10th जिनके पास है तो वो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और साथ में सर्टिफिकेट कोर्स है अगर हॉस्पिटल सर्विसेज में तो वो यहाँ एप्लीकेशन डाले। 106 पोस्ट है, 18,000 रुपए मिलेंगे, 18,000, 46 पोस्ट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ पर डिजायरेबल में एक्सपीरियंस रखा गया है, मीन्स अगर आपके पास ये दोनों है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल दें, और एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाली जा सकती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है यहाँ पर, ये आप देख लें। यहाँ पे मैं बता दूं कि हर तरीके की जॉब है। मुझे एक और जॉब बहुत अच्छी नजर आई, स्टोर कीपर कम क्लर्क की, जहां पे 85 पोस्ट है। अगर 1 ईयर की एक्सपीरियंस है आपको स्टोर हैंडलिंग में, या आप इस तरीके की 1 ईयर की सिर्फ एक्सपीरियंस है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन डालें। हाँ, अगर मटेरियल मैनेजमेंट में किसी के पास डिग्री या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर अभी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग वाले कैंडिडेट, यहाँ पे सैलरी 19,900 रुपीज पर मंथ, 85 में 37 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। चलिए बात कर लेते कि फीस कितनी है एक्सेट्रा। पेज नंबर 16 पे आप चले, टोटल 20 पेजेस की पीडीएफ है। पेज नंबर 16 में आप चले जाए, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, मींस कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होगी जिसमें 1 पेपर होगा, और यहाँ पे पेपर विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मींस लिखना नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा, 90 क्वेश्चन होंगे और सबके इक्वल मार्क्स होंगे, 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके लिए स्किल टेस्ट वगैरह की जरूरत है या पर्सनल इंटरेक्शन की जरूरत है वो भी होगी। तो मेन ये आपके एक 90 क्वेश्चन के 90 मिनट का एक एग्जाम होगा ऑनलाइन सिलेक्शन के लिए। एज रिलैक्सेशन दी गई है, जो भी एज मैंने ऊपर में बताए हैं वहां पर एज रिलैक्सेशन इस तरीके से मिलेगी, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स की, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीएच के लिए कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन होगी। और भी एज रिलैक्सेशन है, ये कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हैं इन कैटेगरी से तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप फीस हम देख लेते हैं। फाइनली फीस इस तरीके से नॉन रिफंडेबल फीस होगी, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। वर्क लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि भोपाल में रहेगा, मध्य प्रदेश में आता है वो।
अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए नॉन रिफंडेबल फीस 830 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल 600 रुपीज फी होगी। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, डिटेल पीडीएफ को डाउनलोड करना। बहुत इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनमें थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस या ज्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बताई गई, आप डाउनलोड कर लें। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज डाउनलोड करें और इसको खुद रीड आउट करें। हाउ टू अप्लाई में जाएं, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के साथ आप फाइनली अपने आप को यहां पर रजिस्टर एंड बाकी की प्रोसेस एप्लीकेशन की कर सकते हैं। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।